नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। लालू प्रसाद यादव पटना लौट चुके हैं। आज करीब 12 बजे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पर पार्टी के विधायक दल की बैठक है। इस बैठक में बागी कहे जाने वाले 13 में से कम 9 विधायक शामिल होने का दावा किया जा रहा है। डैमेज कंट्रोल के लिए आरजेडी प्रमुख लालू यादव दिल्ली से सुबह करीब 9 बजे पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद लालू ने मीडिया से बात की। इस दौरान उनकी बौखलाहट छुपाए नहीं छुप रही थी। लालू ने आरजेडी में फूट के लिए नीतीश और विधानसभा के स्पीकर को जिम्मेदार ठहराया। आप ही देखिए लालू प्रसाद यादव की बॉडी लैंग्वेज और सुनिए किस तरह बदले हालात पर वो भड़कते हुए नजर आए। आई जो यह स्पीकर है, यहाँ का स्पीकर इतना, इसको कौन शब्दों से मतलब ये किया जाए, और दे दिया कि 13 का ग्रुप बना दिया। अरे कैसे तो बना दिया, ये सारा डिटेल में आपको, सब लोग आ रहे हैं मीटिंग में, और पूरा अभी हम आगे का राय करके अभी आज दिन भर का मेरा कार्यक्रम रहेगा, हम आगे फिर आपको बताएंगे, पहले मीटिंग करके। आवाज सुनिए पहले, लालू जी सुनिए। अब वो सारा जो भी स्थिति है सारा हम राय लिया है, ये सारा कागज हम लाए हैं आप लोगों को भी पढ़ाने के लिए। वो जो सेक्रेटरी थे लोकसभा जो थे, उनको भी फोन लगा के आप पूछ लीजिए। नए आचार्य का नया प्राचार्य जानते हैं आचार्य के बारे में। नहीं, आपको क्या लगता है तो कि ये नीतीश कुमार का भारी खड़यंत्र, जैसे अमेरिका में वाटर कांड गेट हुआ था, बिहारवासियों देशवासी भाइयों, ये आदमी बिल्कुल जमीन में दब गया है, कोई फैक्टर नहीं है। आई भाजपा से भी मिला हुआ है, ये दोनों मिल करके और हमारे दल को तोड़ने का कोशिश किया। हमारा MLA इंटैक्ट है, और फिर वो सब MLA आप ही लोग के TV पर और सब अभी आ भी रहे हैं। तो ये और जो टेक्निकल जो बातें हैं, खिलाफ क्या करेंगे? अरे भाई, सब कार्यक्रम बना रहे हैं ना, आप क्या करेंगे? हम जाकर हॉकी से मारे उसको। जो पॉलिटिकल जो सही बात है, ये हमारे अंडर में इसको जेल मंत्री बनाए थे, हमारे अंडर में ही था। अभी स्पीकर के पद को दे दिया है नीतीश के अंडर में, गंदा काम किया है। कोई पार्टी निकाला है? हम पार्टी से कोई रिजाइन किया है पहले? कोई पार्टी इसे डिटेल में आपको हम देंगे, 1 बजे आपको ब्रीफ करेंगे। कांग्रेस की सुनिए ना, खगड़िया का उम्मीदवार था वो, कोई बताया नहीं, अंडा सिखावे मुर्गी के चें चों कर, हमारे पढ़ाएगा सम्राट चौधरी, ऐसा ऐसा कितना सम्राट चौधरी आया गए। अच्छा ये बताइए, रामविलास पासवान से अभी भी उम्मीदें हैं क्या? उम्मीद पर नहीं चल रहा है, हम तो आपके TV के माध्यम से भी भाई बात करो, हमसे सब बात करो। लेकिन पासवान जी दिल्ली में रहने के बावजूद आपसे नहीं मिले? अब ये तो आपको अपना, आप पूछे नहीं थे, हम अपने बता रहे हैं। नहीं, आप फिर लगे मसाला पीसने आप बेकार का। हमारा भी आज का एजेंडा ये है, नरेंद्र मोदी को हम पनपने नहीं देंगे। कौन आता है कौन जाता है, पूरा बिहार की जनता एक साथ है। अब मैं निकल रहा हूँ कार्यक्रम। अरे चलिए बात करेंगे। आज जरा नरेंद्र मोदी फील्ड छोड़ के कहाँ भागा, हमको फील्ड नहीं दिया नीतीश कुमार। धान करोटी तावा में नीतीश उड़ गया हवा में, अब चला गया BJP कुहार भाई के आवा में। क्या MLA का मतलब है भाई, बताओ? 4 महीना का 2 महीना के बाद तो चुनाव होगा। ये अरे पार्लियामेंट के बाद लोग ये माइनॉरिटी में है, ये सब खेल करवा रहा था, पकड़ा गया। हड़हड़ पिजर के विधायकों की राय लेंगे। रुकिए रुकिए भाई, आप लोग मीडिया के लोग हो, अच्छा से पकड़े हो बात को। झाजी लगे तो कागज देखिए, मकड़ा जाल बनाता है मकड़ा,
ये पीछे रखो ना, पीछे रखो, पीछे रखिए। सर 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 सामने सुनिए, पहले सुनिए, नोटिफिकेशन हम दिखाएंगे उसी समय दिखाएंगे। मैं ठीक है, मकरा जो होता है ना, मकर मकर जाल जो बनाता है तो अपना फांसी घर भी उसी में बना लेता है। ये देखिए स्पीकर क्या लिखा, देखो ये जालसाजी में कैसे पकड़ा गया, देखिए। सुनिए पहले, अरे भरा फोड़, हटा हटा, चलिए तो पीछे से आप लोग बंद कीजिए, थोड़ा सा दूरी बनाइए। ठीक ठीक, ये लिखा सुनिए पहले, सुनिए पढ़ के सुनाते हैं, आप कॉपी भी देंगे आप लोगों को बाद में। बिहार विधानसभा के सभापति महोदय 24/2/14 को जारी विवरणिका के संदर्भ में, आप सुनिए पहले। ए तुम गप करोगे? नहीं ठीक है, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं सर, आपका रिकॉर्ड होगा क्या उसमें? क्या बात करते हैं, पकड़ पकड़ बोल रहे हैं। ठीक ठीक है सर, दौड़े चलते हैं कवर करने के लिए। आप सर लाइव पे आ रहा है, बोलने नहीं देख रहे हो क्या कर रहा है ये छोकरा? मोहम्मद बोलो भाई। सर बिहार विधानसभा के सभापति महोदय 24/2/14 को जारी विवरणिका में संदर्भ में दल बदल विरोधी अधिनियमों नियम 85 के प्रावधान संविधान की 10वीं अनुसूची में दर्शित है और एक सरसरी निगाह डालने से स्पष्ट होता है कि माननीय सभापति, देखिए भाई सुनिए, माननीय सभापति मैंने अध्यक्ष महोदय द्वारा जारी यह विवरणी संविधान की मर्यादाओं और के अधिनियम के प्रावधानों का। सर मैं आपको मार रहा था नोटिफिकेशन, तो आप हमको पढ़ा रहे हैं दूसरा चीज। कोई बात नहीं सर, ये लिखा है नोटिफिकेशन कल जो जारी किया जी जी विवरणी का, ये अंडरलाइन वाला सुन लो पहले, देखो अंडरलाइन। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि पंचम बिहार विधानसभा के निम्न माननीय सदस्यों के अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा द्वारा जी सर पढ़िए सर, पढ़िए सर, सुनिए बंद करते हैं, इन्हें बंद करिए अगर नहीं। अरे यार क्या आप लोग सर सर करने के लिए सर पॉइंट बता आप लोग को मैं सर सर पॉइंट पॉइंट लाइव चल रहा है लालू जी। सर्वसाधारण और नीचे रखिए पीछे रखिए। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि पंचम बिहार विधानसभा के निम्नलिखित माननीय सदस्यों के अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा द्वारा पारित आदेश संख्या 24/2/14 के अनुसरण में निमांकित माननीय सदस्य बिहार विधानसभा जो पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य थे, सुनिए, पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य थे, ये कब दल बदला? दल बदलने का नियम और कायदा क्या है? ये खुद लिख दिया है, जो पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य थे को अंतरिम व्यवस्था के तहत पृथक समूह के रूप में मान्यता प्रदान किया जाता है। इधर जाली मतलब मकरा जाल बुना, इसी में फंस गया वो स्पीकर। ये पढ़ो, न पार्टी किसी को निकाला, न कोई बात है, न दो तिहाई ये हुआ, दो तिहाई में कौन कौन क्या होगा, कैसे पार्टी मर्ज करती है, कैसे निकाल दे, अगर हम निकाल दे तो फिर कोई ग्रुप बनता है या नहीं बनता है, वो भी नहीं बनता है जब तक नया चुनाव, वो सारा डिटेल आपको देगा। जाली काम किया, फ्रेब किया, जैसे मुकदमा में ये लोग फंसवाया हमको, उसी तरह से हमारे दल को तोड़ने का जालसाजी का काम भी किया है स्पीकर नीतीश कुमार। इसको हम धूल चटाएंगे, हम पूरे बिहार में इसको एक्सपोज करेंगे।